दशहरे का त्यौहार पूरे देश भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है इसी समय सीता माता को छुड़ाने के लिए रावण से आखिरी सामना करते हैं। भारत में नवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पर माँ काली दुर्गा अष्टधामी की पूजा होती है। दशहरे का त्यौहार 10 दिन का होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम दशहरे के दिन रावण को मारा और दिवाली के दिन वो अपने गांव सीता माता और भाई लक्ष्मण और अपने सेनाओं के साथ अयोध्या लौटे थे। तब से लेकर आज तक दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है और आज ही मनाया जा रहा है। नवरात्र के महीनों में माँ दुर्गा की कुल की पूजा होती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा की अनेकों रूप है, जिसमें से उनकी सबसे मुख्य रूप अष्टधामी अष्टवादिनी सबसे अलग अलग के रूपों में माँ दुर्गा दशहरे में प्रकट होती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। ऐसा माना जाता है कि दशहरे का त्यौहार अपने कुलों के लिए उपजाऊ है। और ऐसे पूर्वजों का ये भी कहना है कि दशहरे का त्यौहार पश्चिम भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, कोलकाता में इसका दशहरे का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कोलकाता वासी माँ दुर्गा और माँ काली की इतने अच्छे से पूजा करते हैं कि वहाँ पर हर दशहरे का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ दशहरे की मेला देखने लायक होती है। आज नवरात्रि का त्यौहार में हर जगह पर मंदिरों में माँ दुर्गा माँ काली माँ शीतला की हमेशा पूजा हो रही है। देखिए आप भी कई जगहों पर तो ऐसे भीड़ लगाए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान राम इसी समय दशहरे के लास्ट 10वें दिन रावण का वध किया था और रावण का वध पूरे भूमि के वंशों का नाश हो गया था। अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।